एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, दीव भी अच्छी है। और दीव को फीवर बिल्कुल भी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है वो। और आज जो है 12 सितंबर है, दिन है आज थर्सडे, और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज शाम से। तो आज मेरा कोई भी मतलब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैंने कहा चलो आज आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। बहुत सारे लोग छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं और मैं कभी भी उनका जवाब नहीं दे पाती, तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही बोल के जवाब देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कमेंट्स में, तो मैं आज इसका मतलब जवाब जो देती हूँ ऐसे देती हूँ। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरे पास ये था कि एक सब्सक्राइबर है मेरी, यूट्यूबर भी है वो साथ में, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, कौए बहुत बोल रहे हैं इग्नोर करना। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दीदी मोनो होने के बाद क्या पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है और कब मिलता है, कितने टाइम बाद मिलता है। तो मोनो होने के बाद पैसा मिलना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि मोनो हो गया तो हो गया बस, लेकिन मोनो होने के बाद भी हमें व्यूज़ चाहिए होते हैं। व्यूज़ नहीं होंगे तो हमारी एड्स को देखेगा कौन, और एड्स जो है वो देखेगा नहीं तो हमें सैलरी मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले तो मोनो होने के बाद एड्स लगाते हैं हम, उन एड्स को लगाने के बाद हमारे जो $10 इकट्ठे होते हैं तब हमारा पिन आता है। देन उसके बाद $100 होने के बाद, पिन आने के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी पड़ती है, फिर $100 होते हैं। देन उसके बाद हमारी सैलरी स्टार्ट आनी शुरू होती है। अगर हर महीने $100 होते हैं या उससे ऊपर होते हैं तब सैलरी आती है, बट अगर आपकी इस महीने $100 है, आपकी सैलरी आ गई, मगर नेक्स्ट मंथ जो है अगर आपकी $100 नहीं है तो नहीं आएगी, और उसके अदर मंथ भी अगर $100 नहीं है तब भी नहीं आएंगे। तो हर महीने $100 होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा तो आंसर है वो अच्छा लगा होगा, होप सो। मुझे जितना पता है मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन तो नहीं, किसी ने मुझसे पूछा था कि एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए। तो एडसेंस अकाउंट ना आप जब चैनल बनाते हो, और चैनल बनाने की फर्स्ट वीडियो डालने के बाद ही आप एडसेंस अकाउंट बना सकते हो और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको ये नहीं है कि आपके 4000 घंटे पूरे होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक थर्ड था कि मेरा भाई क्या काम करता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, और अभी मतलब मुझसे पहले भी पूछा था कई लोगों ने, और उससे पहले, और ये क्वेश्चन अभी कल आया तो मेरे को फिर से याद आया, मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। तो मेरा जो भाई है मुझसे छोटा है एज में, मुझसे 2 साल छोटा है वो, तो वो फाइनेंस का काम करता है। फाइनेंस का काम आप लोगों को पता होगा, फाइनेंस का काम क्या होता है, फाइनेंस मतलब ब्याज का काम करता है। तो ये उसका काम है, वो पैसा जो है देना लेना करता है, तो ये उसका काम है। और शुरू से, अभी से नहीं, वो कम से कम उसको 7-8 साल हो जाएंगे उसको ये काम करते करते, क्योंकि आई थिंक 5-6 साल तो मेरी बहन की शादी को ही होने वाले हैं, तो उसको ये काम करते हुए इतना टाइम हो चुका है। और उससे पहले भी उसने बहुत सारे काम किए हैं, वो कभी भी मतलब बहुत कम एज से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था मेरे भाई के काम करने के ऊपर जवाब। और एक जो है मेरे पे क्वेश्चन आ रहा था कि बीच में कि आपके घर में किसकी शादी की तैयारी चल रही है। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं अभिषेक राजपूत, घर में उनको बोलते सनी, तो उनकी शादी है, दिसंबर में शादी है, नवंबर में इंगेजमेंट है, तो उन्हीं की शादी की तैयारियां चल रही है। और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे और बहुत मज़े वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे अगर मैं बनाऊंगी तो, क्योंकि अभी शॉपिंग पे गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे लगा कि देने लेने की साड़ियां हैं और कोई ऑब्जेक्शन ना करे, इसलिए मैंने नहीं किया। यार थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे लगता है। और अभी रिसेंटली में एक क्वेश्चन आया था जब मैंने अपनी बहन के नोएडा वाले घर की जो है वीडियो डाली थी कि आप तो कह रहे थे कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, तो मैंने कब कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ नहीं जाऊँगी? मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं अपनी बहन नेहा के घर
कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने ये भी नहीं बोला था कि मैं अपनी मौसी के यहाँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मौसी के यहाँ मैं अपनी शादी के बाद होकर आ चुकी हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के संग। सो मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं अपनी बहन के यहाँ नहीं जाऊँगी या अपनी मौसी के यहाँ नहीं जाऊँगी। मैं अपनी मौसी के यहाँ जो है अपने हस्बैंड के संग शादी से पहले जा चुकी हूँ, और उनका उन्होंने नया घर लेना था तो वो बोल रहे थे कि वो बुलाएंगे, ठीक है, तो उनके बुलाने पर हम जाते ज़रूर, बट ऐसा हो गया तो वो नहीं बुला पाई। और अपनी सिस्टर के यहाँ तो यार मैं डेफिनेटली जाऊँगी, मेरी एक ही बहन है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है, प्यार दिखता है, आप लोगों को भी दिखता है, मुझे भी दिखता है, तो उसके यहाँ तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी जाऊँगी। और दीयू गई थी फर्स्ट टाइम, अपनी बहन के यहाँ मैं जा चुकी हूँ पहले भी, और आपको लग रहा होगा कि मैं सिस्टर के यहाँ जाने, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यूँ कह रही थी मैं यहाँ कब नहीं जाऊँगी, तो जहाँ मुझको नहीं जाना ना वहाँ मैं बुलाने के बाद भी नहीं गई थी, और शायद ही कभी भविष्य में जाऊँगी, क्योंकि कोई जो मेरे संग कंफर्टेबल नहीं है मैं उनके संग कंफर्टेबल कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर सही बात किसी को बुरी लग गई, क्योंकि वो जब मैंने वीडियो बनाया था ना उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव वे में लेकर वो उसको बढ़ावा देने की कोशिश तो खैर नहीं की गई, लेकिन उसको नेगेटिव वे में ले लिया गया है, और जो इतनी सी भी जो स्टार्ट हुई थी ना बातचीत वो बंद हो चुकी है। तो अगर कोई नेगेटिव वे में या अच्छी बात भी किसी को बुरी लग जाती है रियलाइज़ करने की बजाय, अगर कोई इस चीज़ को बुरा मान जाता है तो फिर मैं भी पीछे कदम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा जो बुरा टाइम है ना इससे बुरा टाइम शायद ही मेरा कोई आए, वो धीरे धीरे निकल रहा है, उस बुरे टाइम को भी इतना टाइम हो गया, तो दैट्स इट यार। अगर कोई खुश है तो खुश रहे, कोई ये पता आजकल फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो गई है, और कहते निभ रहा है ना, बस निभा रहे हैं, बस इतनी सी बात रखती हूँ मैं कि एक है कि हाँ ये इंसान है हमारी लाइफ में बिलोंग करते हैं, बस दैट्स इट, इतना ही रखना चाहिए। और मुझको भी ऐसा लगता है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से, और हमें इतना उनके संग करना भी नहीं चाहिए कि हमें बुरा लगे, तो मैं भी इतना नहीं इतना दूर रहती हूँ, और बुरा नहीं, और सबसे अच्छी बात होती है कि ऐसे करने से बुरा नहीं लगता। अगर हम किसी से प्यार करना ही छोड़ देते हैं तो हमें बुरा ही नहीं लगता, हम किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, लगाव रखना छोड़ दिया मैंने, परवाह करना छोड़ दिया तो अब मुझे बुरा भी नहीं लगता है। अब मैं बेटी के संग अपनी बहुत खुश हूँ, और मुझे पता चलता है कि कौन प्यार कर रहा है कौन फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो बस इतनी सी बात है। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमेशा ये क्वेश्चन तो एक टॉपिक ही है कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगी क्या, तो इसका क्वेश्चन का जवाब मैं अभी भी यही रहेगा और काफ़ी टाइम बाद भी यही रहेगा कि मैं कभी भी नहीं करूँगी सेकंड मैरिज, किसी भी कीमत पे नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करने वाली मैं। क्यों नहीं करने वाली, किस लिए नहीं करने वाली, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करने वाली। सेकंड मैरिज कोई ऑप्शन नहीं होता किसी को भुला देना ही, ठीक है ना, हम किसी को अगर भुलाना चाह रहे हैं तो शादी नहीं कर सकते हम। मैरिज जो है वो बहुत ही, जो कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है, वो जन्मों का रिश्ता ना 7 जन्मों तक रहता है, एक जन्म में छूट गया तो दूसरे जन्म में भी वही मिलना चाहिए ना, तो हम कैसे दूसरा रिश्ता बना लें, मुझे तो दूसरे जन्म में भी वही चाहिए, मुझे तो नहीं तोड़ना, तो मैं तो वेट करूँगी नेक्स्ट जन्म का, कि इस चीज़ का वेट तो मैं दिल से कर रही हूँ कि कब मैं मरूँ और कब मैं दूसरा जन्म लूँ, कब वो मुझको मिले, है ना। और कई लोग सेकंड मैरिज कर भी लेते होंगे, या तो कोई मजबूरी में करते होंगे, या फिर उनके घर वाले अच्छे नहीं होते होंगे, पीछे छुड़ाना चाहते होंगे, ताने नहीं सुनना चाहते होंगे, भाई सबकी अपनी मजबूरी होती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी बिल्कुल भी कोई मजबूरी नहीं है, और अगर कोई मजबूरी हुई भी तो सेकंड मेरे पास बहुत एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं इस दुनिया को छोड़ना पसंद करूँगी, शादी करने से बेटर तो मैं इस दुनिया को छोड़ना पसंद करूँगी। बस मैं इतने ही क्वेश्चन का जवाब देना चाहती थी। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि दीयू की निप्पल आप क्यों नहीं छुड़ाते, तो दीयू की निप्पल छुड़ाने की कोशिश जो है ना मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, और इस कोशिश में मैं नहीं, मेरी मम्मी पापा भी करते हैं, मेरा भाई भी करता है उसकी निप्पल छुड़ाने की, बट वो बहुत कम लेती है, और अधिकतर जब भी मैं वीडियो में लेती हूँ तो उसने लगा ली होती है, तो उसकी चिंता ना मुझको बहुत ज़्यादा है,
निप्पल छुड़ाने के लिए। आप लोगों को लगता होगा एक ने मुझे करा कमेंट, वो हमेशा निप्पल से रिलेटेड ही कमेंट करती हैं, वैसे कभी भी कोई कमेंट नहीं करती हैं वो। तो उन्होंने कहा आप तकलीफ़ नहीं उठाना चाहती, वरना कोई हार्ड चीज़ नहीं है निप्पल छुड़ाना। तो मैं तकलीफ़ क्यों उठाना नहीं चाहती जब मैं उसके सारे काम खुद करती हूँ, खाना वाना जो भी है उसको नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, कपड़े धोना, ये सब जब मैं कर सकती हूँ तो निप्पल छुड़ाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे छुड़ाया जाता है, 2.5 साल के बच्चे को मैं एज ए इतना बड़ा ट्रीट नहीं करूंगी, क्योंकि आपने कहा था इतने बड़े बच्चों को दूध से बॉटल से दूध देते हो, तो एक्सक्यूज मी मैडम, आपके बच्चे पता नहीं ग्लास से दूध पीने लगे होंगे पैदा होते ही। मेरा बच्चा तो है अभी 3 साल तक दूध बॉटल से ही पिएगा, अभी वो 3 साल की हुई नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही बता दूँ वो 3 साल तक दूध पिएगा, बॉटल से पिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये थे थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कल की वीडियो में फिर से अगेन आपके जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं उसका जवाब दूंगी। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे अच्छे जवाब देना। अगर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मैं पोलाइटली जवाब देने की कोशिश करूँगी, मैं चाहती नहीं कि नेगेटिविटी फैलाऊँ अपने ब्लॉग्स में, बट अगर आएंगे तो मैं डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूँगी और पोलाइटली दूँगी, कोई बुरा नहीं मानने वाली मैं बिल्कुल भी, मैं बुरा नहीं मानती, मुझे आदत पड़ चुकी है अब बुरा नहीं मानती। कौआ लगातार बोल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई कौए को, बहुत दूर बोल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वाला मेरी वीडियो अच्छी लगी हो क्वेश्चन आंसर वाली तो लाइक करना, शेयर करना, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना हमेशा की तरह, और अपनी फैमिली का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पर रखना, बाय बाय।